तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाइए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। मांगिए नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। सब लोग मिलके गाइए, तेरी स्तुति मैं करूं। सब लोग गाइए, आराधना करूं दिल से, हो तेरा प्रारंभ और अंत में ध्यान हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, समर्पित करिए अपने आप को, अपने दिल से अपने मन से। हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, उसको बताना है कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। जब हम स्तुति करें तो अपने मन में यह ध्यान रखें कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें बचाया है, परमेश्वर ने अपनी रूह से हमें भर दिया है, यीशु के लहू से हम शुद्ध हो चुके हैं। उसके बलिदान को याद करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तूने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया और यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। हमारे जीवन में अब तक परमेश्वर ने जो भी काम किया उसका धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद यीशु मसीह, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। बैठी बैठी हम सब खुश हैं, आनंदित हैं।
आमेन। परमेश्वर बहुत 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 अच्छा है, हालेलुया। उसकी अद्भुत करुणा हम पर है, वो निराला है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं सच कह रहा हूं, उसके प्रेम में अपने आप को डाल दीजिए, उसके प्रेम में अपने आप को बहने दीजिए, उसका प्रेम हम में बहे, ताकि हम उसकी करुणा को जान सकें, उसके अनुग्रह को जान सकें, उसकी कृपा को जान सकें। हे परमेश्वर, तू इतना दयालु है कि हम क्या थे और तूने हमें क्या बना दिया। हम उस कीचड़ में थे, हम उस दलदल में थे, फंसे हुए थे, लेकिन तूने अपना हाथ खींचकर हमें उठाया और चट्टान पे खड़ा कर दिया। मेरे भाई मेरी बहन, उस प्रेम से बड़ा और कोई प्रेम नहीं है, उसकी करुणा से बड़ी और कोई करुणा नहीं है। अद्भुत है, अद्भुत। अगर हम उसकी करुणा को देखना चाहेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं सदियों लग जाएंगे कि आप उसका धन्यवाद करते हुए थक जाएंगे, लेकिन उसका धन्यवाद पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसकी करुणा इतनी है, इतना मेहरबान है वो हम पर, इतना अनुग्रहकारी है हम पर। बहुत अच्छा पिता है, बहुत अच्छा यीशु है। आप सोचिए कि उसने आपको पाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए आपको अपनी आत्मा दे दी। आप सोचिए, इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है कि उसने अपनी आत्मा हम में डाल दी। आमेन। आप सोचिए कि उसकी करुणा कितनी महान है। आज हम परमेश्वर की करुणा के बारे में देखेंगे, आज उसकी दया के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको सच कह रहा हूं, उसकी दया, उसकी करुणा को मन में बसा लीजिए। उससे बढ़कर प्रेम करने वाला कोई नहीं है, उससे बढ़कर प्रेम करने वाला इस धरती पर कोई नहीं हुआ, कोई नहीं है। आपका रिश्तों में कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई आपका जानने वाला ऐसा नहीं है जो कि उससे बढ़कर प्रेम करे, क्योंकि उसने आपको और मुझको पाने के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है। बहुत बहुत महान है, उसकी महानता का वर्णन हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है हम उसकी महानता को जांचे, हम उसकी करुणा को देखने की कोशिश करें। नहीं, अरे बहुत बहुत गूढ़ विषय है, बहुत ही गहराई से हमें उसकी महिमा करनी है, उसके प्रेम को आंकना है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा भरा व्यवहार, उसकी करुणा, आज हम व्यवस्था विवरण 8 से देखेंगे। व्यवस्था विवरण 8, डिटोनमी 8, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए कैसे वचन आपके जीवन में काम करता है, कैसे आप इसको अपना बनाते हैं। आज डिटोनमी 8 का जो चैप्टर है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप उसकी करुणा को जान पाएंगे, उसके प्यार को जान पाएंगे, उसके अनुग्रह को समझने की कोशिश करिए। हालेलुया। बहुत 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 प्यारा विषय है, बहुत प्यारा प्यारे वचन है, और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर हमने उसकी करुणा को समझ लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी चीज आपको दूर करती है?
संदेह, आपको लगता है कि मेरे माँ ने मेरे बाप ने ये नहीं किया, तो आप अपने माँ बाप को दोष देते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये जान लेते हैं कि मेरी माँ ने मेरे पिता ने मेरे लिए क्या क्या बलिदान किए हैं, उस दिन आप कैसी भी स्थिति हो आप अपने माँ बाप को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आप उसकी करुणा को समझ लेते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पिता की करुणा क्या है। हालेलुया। जिसके पास बाइबल है वो बाइबल निकाल ले, जिसके पास कॉपी पेन है वो कॉपी पेन ले ले और उसमें लिखे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8:1, 1 से पढ़ेंगे हम और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अद्भुत परमेश्वर का प्रकाशन और प्रकाशन का आशीष है ये। शिक्षा के रूप में आप लीजिए और अपने जीवन में इसको उपयोग करिए। हालेलुया। पढ़िए बेटा। हाँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना। आमीन। देखिए, आज्ञाएं देने से पहले परमेश्वर इसराइलियों को अपने बच्चों को बता रहा है कि आज्ञाएं क्यों दे रहा हूं मैं, आज्ञाएं आपको क्यों मांगनी है, क्यों माननी है, क्यों डिसिप्लिन में रहना है, क्यों, उसका रीजन बता रहा है। हम कभी कभी सोचते हैं कि आज्ञाएं हमें बोझिल लगती हैं, अरे ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। लेकिन आज परमेश्वर आपको बता रहा है कि वो क्यों चाहता है कि आप उसके अनुसार चलें। परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को मनन करें और उसकी आज्ञाओं को अपने लिए अपना एक मार्ग समझकर उस पर चलें। वो आज्ञाएं आपको क्या देंगी? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये पहला वचन पढ़िए बेटा। जो जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। आमीन। देखिए, चार चीजें यहां पर हैं कि तू जीवित रहे और बढ़ता रहे, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों के संग शपथ खाई थी उसमें जाकर उसके उसको अधिकार में कर लो, यानी कि प्रवेश करना। हालेलुया। तो इस वचन से हम चार चीजें सीखते हैं। पहली क्या है कि आज्ञाएं मानने से हमें जीवन मिलता है, दूसरा कि हमें बरकत का आशीष मिलता है, चौथा कि हमें उस प्रॉमिस में प्रवेश करने के लिए द्वार खुल जाता है जब हम उसकी आज्ञाओं को समझने उस आज्ञाओं पर चलते हैं। उसके जो प्रॉमिसेस हैं उस पर प्रवेश करने का द्वार खुल जाता है, और चौथा और बहुत अहम है कि उन प्रॉमिसेस को अधिकार में लेने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। आज्ञाएं क्यों माननी चाहिए, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चले, आज्ञाएं क्या क्या देती हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन क्या कहता है कि आज्ञा देती है, वो कह रहा है कि मेरी आज्ञाओं को मैं जो देने वाला हूं उसके उसको मानने के लिए चौकसी कर, अलर्ट रहे, अलर्ट हो। परमेश्वर ने कहा है संदेह मत कर। जब इजराइलीस सिने जंगल से आगे बढ़े तो कुड़कुड़ाने लगे कि कहां हमें को परमेश्वर लेकर आ गया है, एक ही मन्ना खिला रहा है हमें, और कई लोग कुड़कुड़ाए, दोष लगाया और मूसा को भी गलत गलत बोलने लगे, और परमेश्वर को गुस्सा आया और उन्होंने विषैले सांप छोड़ दिए। गिनती 21 और 6 से 9 अगर हम पढ़ेंगे, आप गिनती 21 4 से 9 के बीच में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि विषैले सांप छोड़ दिए। अब जब वो सांप डसे तो वहां के जो इजराइली से उनको कुछ को समझ में आया कि हमने गलती की, हमने पाप किया है, तो बोले मूसा के पास आए कि मूसा हमसे गलती हो गई है, मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया है, तो परमेश्वर से प्रार्थना कर और हमें इससे छुटकारा दे। मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर को दया आई, और परमेश्वर ने कहा मूसा इस खंभे पर तांबे का सांप लगा,
जो कोई इस सांप को विश्वास से देखेगा वो जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या थी आज्ञा? उस सांप को विश्वास से देखने की, संदेह नहीं लाना है। और क्या मिलने वाला था आपको? जीवन। हेलो, यीशु क्या देने आया है? जीवन। योहन्ना 10:10 क्या कहता है कि चोर चोरी करने के लिए आता है, डाका डालने के लिए आता है, लेकिन मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। बहुतायत का जीवन। लेकिन बहुतायत का जीवन कहां है? उसकी आज्ञाओं के सामने, उसकी आज्ञाओं के द्वारा हमें वो बहुतायत का जीवन मिलता है। तो इज़राइलीज जिनको सांपों ने कटा था, कुछ लोग बोलने लगे कि अरे मूसा, सिर्फ सांप को देखने से कैसे हम ठीक हो जाएंगे? तो कुछ दवाई नहीं दे रहा है, कोई उपचार नहीं कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, और तू कह रहा है कि सांप को देखिए और आप ठीक हो जाएंगे? मूसा ने कहा ये परमेश्वर की आज्ञा है। आमेन। परमेश्वर की आज्ञा है। हमें परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें सांप को देखना है और विश्वास के साथ, तभी वो जीवन आपको मिलेगा। हम कभी कभी संदेह करते हैं, हम अपनी 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 बुद्धि का उपयोग करते हैं, और जिन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया वो मर गए, और जिन्होंने विश्वास के संग उस सांप को देखा वो जीवित पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसकी आज्ञाएं हमें क्या देती हैं? जीवन। हेलो, उसकी आज्ञा क्या देती है हमको? जीवन। क्योंकि उन आज्ञाओं में जीवन है, उस आज्ञाओं में सत्य की शक्ति है, उन आज्ञाओं में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को भरता है। इसलिए वो आज्ञाएं बहुत जरूरी हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन दे रहा है। इज़राइलियों से उसने कहा कि मैं तुम्हें शहद और दूध को, दूध जो बहने वाला नगर है कनान देश, वहां पर ले जाने वाला हूं, जहां पर शहद और दूध की नदियां बहती हैं। लेकिन उससे पहले वो आपकी व्यवहार को देखना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन का वृक्ष, जीवन के वृक्ष से फल देना चाहता है। हेलो, परमेश्वर आपको जीवन के वृक्ष से फल देना चाहता है। लेकिन आपको क्या पसंद है पता है? वड़ा पाव। आपको वड़ा पाव पसंद है, वड़ा पाव बहुत अच्छा, समोसा चंदन भैया का बहुत अच्छा है। आप देखते नहीं है कि वो जब फल दे रहा है परमेश्वर, उसमें जीवन है। वो जो परमेश्वर दे रहा है, आप उसके सामर्थ्य को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए वो क्या कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को चौकसी करके मानना शुरू करोगे तो तुम जीवित पाओगे, तुम जीवन पाओगे और तुम संख्या में बढ़ते जाओगे। यानी कि बढ़ोतरी का आशीष, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी का आशीष। जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तो आपके ऑफिस में, आपके काम में बढ़ोतरी का आशीष होगा, आपके धंधे में बढ़ोतरी का आशीष होगा, आपके ऑफिस में बढ़ोतरी का आशीष होगा, आपके घर में बढ़ोतरी का आशीष होगा, बरकत का आशीष होगा, जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की इच्छा यहीं खत्म नहीं होती है। इस पूरे वचन में 4 पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला है जीवन, दूसरा है बढ़ोतरी में बढ़ना, तीसरा है प्रॉमिसेस, उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करना और उसे अपने अधिकार में लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग जो मसीह हैं, जो नए नए मसीह बनते हैं, जब हम अपनी बुद्धि को यूज करते हैं, तो हम जब चर्च में आते हैं तो हमें दो चीजें तो बड़ी अच्छी लगती हैं और वो जीवन पाते हैं। बपतिस्मा लिया और आपने जीवन पाया, और उसके बाद हम पानी प्रार्थना होती है कि हम उस आज्ञाओं पर चलते हुए उस बरकत को आशीष दें, उस बरकत को हासिल करें जो परमेश्वर ने हमको दी है। हालेलुया। अपने काम में, धंधे में, सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा जो सफर है यहीं रुक जाता है,
हमारी जो सोच है हम खुश हो जाते हैं कि जीवन मिल गया और बरकत का आशीष मिल गया। धंधे में बरकत हो रही है, ऑफिस में बरकत हो रही है, घर में बरकत हो रही है, आई एम हैप्पी। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि उसके प्रॉमिसिंग, जो उसने प्रॉमिस किया है, उसमें प्रवेश करना है तुम्हें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम अभी तक संसार से निकले नहीं है, इसलिए हमारे लिए धंधा ही हमारे लिए बहुत बड़ा है। परमेश्वर कहता है कि तेरी सोच और मेरी सोच अलग है, तेरे विचार और मेरे विचार अलग है। जिस तरीके से तू सोचता है उस तरीके से मैं नहीं सोचता। परमेश्वर ने इसराइलियों को चुना, दासत्व के जीवन से निकाला और उसको कनान देश में पहुंचाने के लिए। सिर्फ परमेश्वर की इच्छा यह नहीं थी कि वो कनान देश में जाएं, बल्कि उसकी इच्छा थी कि वो कनान देश में जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है, यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर ने इसलिए नहीं किया कि वो आपको जीवन दे और बहुतायत का आशीष दे। वो चाहता है कि आप उसको अधिकार में लें। जो आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है, उन सारी आशीषों को, जिन आशीषों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उन आशीषों को आप अपने अधिकार में ले लें। इस धरती पर आप अपने अधिकार में लीजिए। लेकिन हम अपनी सोच के अनुसार जी अपने बरकत में ही खुश हो जाते हैं। हम समझते हैं कि 10, 15, 20, 25 हजार लाख रुपए हमको महीने का मिल रहा है, बहुत हो गया, सफिशिएंट हो गई हमारी लाइफ सेट। इसलिए जो दो बातें हैं वो हम छोड़ देते हैं, उसके लिए हम मेहनत नहीं करते हैं, उसके लिए हम उन आज्ञाओं को अपने जीवन में बने नहीं रहने देना चाहते हैं। वो चीजें कैसे मिलेंगी? हम उस प्रॉमिसिंग लैंड में कैसे प्रवेश करेंगे? हम उस प्रॉमिस में कैसे प्रवेश करेंगे? जब हम निरंतर उन आज्ञाओं पर चलते हुए धन्यवाद देंगे। इसी का 8:10 निकालिए, 10:10। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। धन्य मानेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्य मानेगा। मेरा मेरी उसमें बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूं। जब तू खाकर तृप्त हो चुके तब तू अपने परमेश्वर यहोवा को उस उत्तम प्रदेश के लिए जो उसने तुम्हें दिया है धन्यवाद देना। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का आशीष कैसे आपके जीवन में काम करता है? जब आप उस धन्यवाद को अपने जीवन में लेते हैं, जब आप हर बात में धन्यवाद करना शुरू करते हैं, सिर्फ अच्छाई में नहीं, सिर्फ मिठाई में नहीं, परमेश्वर ने आपको मिठाई दिया धन्यवाद दे रहे हैं। कभी कभी आपकी मां जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको नीम का पानी भी देती है, करेला भी देती है। प्रेज द लॉर्ड, देती है ना? कौन देने वाला? आपकी मां। किसके लिए? क्योंकि आपको जरूरत है, उस नीम के पानी की जरूरत है, उस करेले की जरूरत है, क्योंकि वो करेला आपको चंगाई देगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें जो मिलता है हम उसको धन्यवाद देकर कबूल करें ताकि हम उस आशीष को पाएं। इसलिए वो कहता है व्यवस्था विवरण 8:2 कि जब तू इस चीज को पा लेगा। देखिए, जब आप प्रॉमिसिंग लैंड में पहुंच गया और आपने अधिकार कर लिया, कैसे वो अधिकार आप में बना रहेगा? कैसे ये वचन आपके अंदर बने रहेंगे? कैसे उसकी आज्ञाएं आपके जीवन में काम करेंगी? पढ़िए बेटा 8:2, डिटरनोमी 8:2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में
तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। आमेन, आमेन। परमेश्वर देखिए आप कितना प्यार करता है, क्यों लेकर आए जंगल में वो आपको, क्यों लेकर आया, ताकि वो आपको दीन बनाए। आप में जो घमंड है, आप में जो गुस्सा है, आप में जो स्वार्थ है, वो निकल जाए। मेरे भाई मेरी बहन, आपका स्वार्थ ही आपको परमेश्वर के आज्ञा पालन करने से रोकता है, आपका घमंड रोकता है। मैं सब कुछ जानता हूं, यही चीज रोकती है, इसलिए वो चाहता है कि इन सारी चीजें आप में से निकल आए। हालेलुया, निकल आए। परमेश्वर आपको ऐसे स्थान पर रखना चाहता है जहां से वो आपको पूरी तरीके से सिद्ध करे। इसी का 15वां अगर हम वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 8 का 15वां अगर वचन पढ़ेंगे, तो वहां पर पता चलेगा कि कैसे, कहां, किस जगह परमेश्वर ने रखा था इसराइलियों को। पढ़िए बेटा 15वां। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने कहां रखा, जहां पर विषैले सांप थे। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में परीक्षाएं आए, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में परीक्षाएं आए, लेकिन जैसे ही परीक्षाएं आती हैं और आप धन्यवाद देकर परमेश्वर को कहते हैं, मैं आपको सच बताता हूं, उन परीक्षाओं में रहने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। उन परीक्षाओं में से गुजरने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। हालेलुया। वो जानना चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी आज्ञाओं पर कैसे चलेगा। 8 के 2 में उसने क्या कहा है कि मैं आपको दीन करूं। 8 का 2 निकालो बेटा, व्यवस्था वरण 8 का 2, उसका लास्ट पढ़ो, लास्ट 2 लाइन है कि वह तुझे नम्र बनाए। हाँ। और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, क्या क्या है आगे, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आमीन। परमेश्वर जानना चाहता है कि मेरे बच्चे को सिर्फ मिठाई देते रहो तो ही खुश होता है, या मैं कोई कड़वा जूस दूंगा तब भी खुश होता है। और वो जान लेता है, और हम में से बहुत लोग फेल हो जाते हैं कि जब तक परमेश्वर मिठाई दे रहा है, जब तक चंगाई मिल रही है, जब तक आशीष मिल रही है, तब तक तो हम खुश हैं, तब तक तो हम चर्च आते हैं। हाँ, चर्च अच्छा है, जहां परमेश्वर आपको बनाना शुरू करता है, आपको संवारना शुरू करता है, कुछ चीजें आपको आपसे खींचता है, कुछ चीजों में आपको रोकता है, आप छोड़ देते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है। आप प्रार्थनाओं की गिनती करने लगते हैं, 10 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, 15 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं हो रहा है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की हर बार इच्छा नहीं होती कि आपकी इच्छा पूरी करे, आपकी प्रार्थना पूरी करे। हेलो, परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, परमेश्वर नहीं चाहता कि हर बार आप जो मांगे दें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको समझें, आप किससे मांग रहे हैं, आप कौन हैं, आप अपने आप को जांचें कि आप कौन हैं यीशु में, आप मांग किससे रहे हैं, आपने परमेश्वर ने आपको चुनकर क्या बनाया है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको दिन पर दिन मैच्योर करना चाहता है, मैच्योर करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप कितने मैच्योर हैं।
जानबूझकर कभी कभी आपकी प्रार्थनाएं नहीं पूरी करता है। Praise the Lord, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा हर समय में, चाहे परीक्षा हो या ना हो, उसका स्वभाव कैसा रहता है। आपको याद है मरियम मग्दलीनी, अध्याय 20 अगर आप देखेंगे, यूहन्ना 20 में जब वो सुबह सुबह जाती है और उस कब्र पर जहां पर यीशु मसीह की बॉडी रखी हुई थी, और जब उसको पता लगता है कि यीशु मसीह की बॉडी को ले गया है, तो रोने लगी वो, और स्वर्गदूतों से पूछती है कौन ले गया है मेरे प्रभु को, बता दे। जब यीशु मसीह को उसने देखा, उन्होंने माली समझा कि ये माली है, कि बता तूने कहां रखा है, मैं अपने यीशु को लाना चाहती हूं। प्रेज द लॉर्ड, जितना प्यार उसके अंदर यीशु के लिए पहले था जब यीशु मसीह जिंदा था, उतना ही प्यार उस समय भी था जब वो मर गया था। उसके लिए कोई बदलाव नहीं था कि वो मर गया या जिंदा है, मेरा यीशु मेरा है। वो मेरे जीवन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा प्रभु यीशु है। Praise the Lord, Hallelujah. इसलिए वो कहता है कि वो देखना चाहता है, He want to see. वो क्या देख रहा है? आपकी खूबसूरती को नहीं देख रहा है। दूसरे का पढ़ो, दूसरा वचन का लास्ट की दो लाइनें पढ़ो, व्यवस्था विवरण 8:2, कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आमीन, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। वो ये नहीं देख रहा है कि आप चर्च में क्या कैसे आए हैं, कौन से वस्त्र पहन के आए हैं, मेकअप करके आए हैं कि नहीं करके आए हैं, क्या पहन कर आए हैं। हेलो, परमेश्वर जब आपको देखता है तो देखता है वो आप में ये चीज देखता है कि आप उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो किससे खुश होता है? अपनी आज्ञाओं पे चलने से। अगर आप उसकी आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं, ही इज नॉट हैप्पी। चाहे आप चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, और उसकी आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं, आप उसके प्यार को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि वो देखना चाहता, क्या देखना चाहता, क्या देख रहा है वो, मैं मेरा बच्चा आज्ञा पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि यार 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरा बच्चा प्रभु में आया था, पहले क्या था और अब क्या है, इसके पास कितना धन आ गया है, ये कितना सक्सेसफुल है। नो, वो कहता है 40 साल तक तुमने कैसा जीवन जिया। वो देखना चाहता है कि मेरा बच्चा आज्ञा पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। Praise the Lord, उसके लिए ये बहुत मीनिंग है, बहुत मायने रखता है परमेश्वर के लिए कि हम उसकी आज्ञा पे चल रहे हैं कि नहीं, और वो भी किससे? दिल से, मन से। हमारा समर्पण होना चाहिए। तीसरा वचन पढ़ो, इसका तीसरा, उसने तुझको नम्र बनाया, हाँ, और भूखा भी होने दिया। आमीन, हालेलुया। अब सोचिए वो कौन है? हमारा पिता परमेश्वर है। मुझको नम्र बनाया और भूखा किया, भूखा होने दिया। सोचिए क्यों भूखा होने दिया? क्या आप अपने बच्चे को भूखा होने देंगे? और अगर भूखा होने देंगे तो उसके पीछे कोई कारण होगा। आमीन, कोई कारण होगा। वो कहता है कि मैंने तुझको नम्र बनाया और तुझे भूखा होने दिया। आमीन,
क्या उसे नहीं पता कि आपको भूख कब लगती है? क्या उसे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए? अरे उसने आपको रचा है, वो आपके टेस्ट को भी जानता है, वो आपको आपको क्या चाहिए वो जानता है, और कब चाहिए वो ये भी जानता है। लेकिन आपको क्या होना चाहिए, आपको क्या मिलना चाहिए, ये वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या कहता है, मैंने तुझको नम्र बनाया और तुझे भूखा भी होने दिया। आगे, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। आमीन। आमीन। क्यों भूखा होने दिया उसने? क्यों भूखा होने दिया? क्योंकि वो आपको स्वर्ग से मन्ना खिलाने वाला था, उनको मन्ना देने वाला था। वो आज तक उनके पूर्वजों ने नहीं पाया, वो खाना आपको मिलने वाला था, ताकि आप सारे टेस्ट भूल जाएं, आप भूल जाएं सब कुछ। लेकिन इजराइलीज नहीं भूल रहे थे। गिनती 11, नंबर्स 11, 4-5 पढ़िए। वो नहीं पढ़ पा रहे थे, इसलिए उसने भूखा रहने से पहले आपको नम्र किया। भूखा रहने से पहले उसने आपको नम्र किया। जब आप में नम्रता आएगी ना मेरी बहन, नम्रता का स्वभाव एक ऐसा स्वभाव है जो आपके अंदर हमेशा धन्यवाद रखता है। कोई बात नहीं, नम्र व्यक्ति कौन होता है? किसी एक गाल पे थप्पड़ मारो और दूसरा गाल भी आगे कर दो, ये नम्रता की पहचान है। नम्र व्यक्ति ही कर सकता है। नम्र व्यक्ति वो होता है कि जो कोई आपको सता रहा है आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता आपको दीन बना के रखती है। नम्रता आप में परमेश्वर के स्वभाव को लेकर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि मैंने तुझको दीन किया, नम्र किया और भूखा भी रखा, ताकि मैं तुझको स्वर्ग का मन्ना खिला सकूं। हालेलुया। आपको वो स्वर्गीय चीज देना चाहता है, इसलिए आपको तैयार कर रहा है। यहां से तीसरे घर जाने के लिए आप सस्ते हैं। आज किसी घर में अगर आपको शाम का न्योता मिलेगा कि एक पास्टर की बेटी है या पास्टर का बेटा है या हमारे किसी लीडर का बेटा है, आज उसका बर्थडे है, आप कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, तैयार होकर जाएंगे। Praise the Lord। कहां जा रहे हैं? बर्थडे पर। परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता है, इसलिए धरती पर चुनने के बाद वो आपको तैयार कर रहा है। वो आपको तैयार कर रहा है, और ये जो कलीसिया है ये तैयार होने की पाठशाला है। इसलिए कलीसिया बहुत अहमियत है। कलीसिया में धरती पर रहने वाले मसीहों को तैयार किया जाता है, ताकि वो स्वर्ग में जो अविनाशी और निष्कपट और अमिट है, उस स्वर्ग में आप पहुंच सकें। आप नहीं जानते परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। आपको नहीं पता है आपको बनाने के लिए वो क्या कर रहा है। अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, अपनी आत्माओं को भेजता है, ताकि वो आपको आपकी रक्षा करें और धरती पर आपको सुरक्षित रखें। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही है। पहला पत्रस 1:4-5 पढ़िए, फर्स्ट पीटर 1:4-5।
अर्थात एक अविनाशी तीसरे से ले लो, तीसरे से हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमें नया जन्म दिया है उसके बाद क्या किया उसने, चौथा, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराश के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आमेन। एक अजर, अविनाशी, अमिट, निष्कलंक उत्तराधिकार के लिए, मिराश के लिए उसने हमें चुना है, जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी है। और पांचवा क्या कहता है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमेन। कहां की जाती है रक्षा, धरती पर। कैसे, कौन कर रहा है आपकी रक्षा, परमेश्वर का सामर्थ। आप जब उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं ना मेरे भाई मेरी बहन, जब आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, आप कहीं भी काम करें, परमेश्वर का सामर्थ आपकी रक्षा करता है। आप कहीं भी जा रहे हैं ना, आप उस अंधकार, उस आप शक्ति को नहीं देख पाते हैं, उस आत्मिक शक्तियों को नहीं देख पाते हैं जो कि अलौकिक हैं, लेकिन आपको नहीं पता आप जा रहे हैं और चारों तरफ से परमेश्वर ने आपको घेरा हुआ है। इसलिए पौलुस बोलता है कि परमेश्वर मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि मैं तेरी बुलाहट की आशा को जान सकूं। आप सोचिए, हमको चुनकर हमें अविनाशी अमिट उत्तराधिकार दिया जो कि स्वर्ग में है, और उसको जब तक वो हम पाना ले तब तक हम धरती में रहेंगे, तब तक हमारी वो रक्षा कर रहा है धरती पर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारी रक्षा कर रहा है धरती पर, परमेश्वर, और किससे, अपने सामर्थ्य से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर जो भी करे आपके जीवन में करने दीजिए, करने दीजिए। यस, मैं परमेश्वर की बच्ची हूं, मैं परमेश्वर की बच्ची हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, बस मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो मिला है धन्यवाद। कभी कभी हमारे ऐसे पार्टनर्स मिल जाते हैं हमें शादी के लिए, शुरू शुरू में हम खुश होते हैं, बाद में हम कहते हैं अरे क्या मिल गया। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर ने जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए। जैसा दिया है धन्यवाद दीजिए, कबूल करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है, जो दिखता है अगर आप उसको मान और सम्मान नहीं देंगे तो जो नहीं दिखता है आप उसको कैसे पूजेंगे, नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते आप। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो क्या कहता है कि मैंने तुझे भूखा रखा ताकि मैं तुझे स्वर्गीय मन्ना खिला सकूं, ताकि तू जान सके कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। मेरा जीवन क्या है, प्रभु का वचन। मेरे अंदर कौन सा जीवन बहना चाहिए, प्रभु के वचन का जीवन। अगर मैं मसीह हूं और मुझ में परमेश्वर का वचन नहीं है तो जीवन नहीं है।
अगर मैं अपनी सेविकाई या अपना काम वचन के अनुसार नहीं कर रहा हूं तो मैं जीवन नहीं, मैं जीवित नहीं हूं। मुझमें परमेश्वर का वचन जीवित हमेशा रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन अगर मुझमें जीवित रहेगा तो मैं ही तभी उसको समझ पाऊंगा, तभी उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल पाऊंगा। और जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, जब आपके अंदर वो वचन होगा, जब वो जीवन होगा और जो परमेश्वर ने आपको उत्तराधिकार दिया है, तब वो सामर्थ आपको, परमेश्वर का सामर्थ आपको आपकी रक्षा करेगा। आमेन। तब वो सामर्थ कौन, किसका सामर्थ? प्रभु का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ आपकी धरती पर रक्षा करेगा। और बाइबल क्या कहती है, इसका चौथा पढ़ो, व्यवस्था विवरण 8 का चौथा। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए। आमेन, हालेलुया, आगे बढ़िए। और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। आमेन। आप जानते हैं जब परमेश्वर का सामर्थ आपकी रक्षा करता है तो आपको धरती की चीजों की जरूरत नहीं होती है, अपने आप आपको आशीष मिलते हैं, अपने आप। जब इजराइलिस 40 साल तक जंगल में थे, उनके वस्त्र नहीं फटे, उनके मोजे नहीं फटे, उनके पैर सूजे नहीं, क्योंकि कौन उनकी रक्षा कर रहा था? परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया। कौन सी बातें हमें जीवन में परीक्षाएं लाती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। सुबह शाम तक हम यही सोचते हैं कल क्या खाएंगे, दोपहर को खाने से पहले पूछते हैं रात को क्या बना रहे हो। रात को खाने से पहले कल का तैयारी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? हम सिर्फ उस रोटी के बारे में सोचते हैं, उन कपड़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर का सामर्थ आपको सुरक्षित करता है, ना आपके कपड़े फटेंगे और ना ही आपके पैर सूजेंगे। क्यों, आपको पता है? पांचवा पढ़िए, व्यवस्था विवरण 8 का पांचवा। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। आमेन। परमेश्वर का सामर्थ क्या है पता आपको? हेलो, 40 साल तक इन इजरायलियों के कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं फटे, लिखा हुआ है। कैसे नहीं फटे पता है आपको? पता आपको कैसे नहीं फटे? क्या ये बड़े नहीं हुए होंगे? क्या 40 साल में लोग बड़े नहीं हुए होंगे? हेलो, हुए होंगे ना? यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे नहीं फटे? क्योंकि उस परमेश्वर पिता ने उन 25 लाख लोगों को अपनी गोदी में उठाया हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका पैर धरती पर पड़े। इसलिए वो कह रहा है, मेरी आज्ञाएं मानने के लिए तू चौकसी भरना, चौकस रहना। हालेलुया, चौकस रहना, क्योंकि यही आज्ञाएं तुझे जीवन देंगी, तुझे बरकत देंगी, प्रॉमिस लैंड में तुझे प्रवेश करवाएंगी और तू उनको अधिकार मिलेगा। Praise the Lord। और उसके बाद तो उस सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ तेरी रक्षा करते हुए तेरे साथ आगे आगे होगा। Praise the Lord। Hallelujah। कितना महान है पिता, कितना अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का। Hallelujah। Praise the Lord। परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के मन को, ये क्या है पता? क्या है ये बाइबल? क्या है यह? है परमेश्वर का मन।
अगर आप परमेश्वर का मन जानना चाहते हैं, इस बाइबल को अच्छी तरह पढ़िए। यह इसमें परमेश्वर की सांसें हैं। लोग सब कुछ करते हैं, बाइबल ही नहीं पढ़ते, बाइबल को अपने जीवन में लेकर नहीं चलते। मेरे भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं, पहले आप बाइबल को लेकर चलते हैं, फिर बाइबल आपको लेकर चलती है। आप इसकी शक्ति को नहीं जानते, आप इसकी शक्ति को नहीं जानते, इसलिए आप अपने जीवन में बाइबल को अहमियत नहीं देते, वचन पढ़ने में अहमियत नहीं देते। आप 15 मिनट प्रार्थना करके समझते हैं कि हमने वैसान कर दिया। नहीं, इसको खा जाइए, इसको पूरा अपने अंदर बसा लीजिए, अपनी सांसों में, अपने लहू में बसा लीजिए इसको। आप देखिए आपका जीवन, आप नहीं चलाएंगी, परमेश्वर चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उस जंगल में परमेश्वर ने इसराइलियों को कैसे रखा, ताकि उन्हें कीमत पता चले। भूखा रखा, उसके बाद मन्ना दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब ने परमेश्वर के अनुग्रह का स्वाद चखा है कि नहीं चखा है? कितनों ने चखा है? अब अगर हमने परमेश्वर के अनुग्रह का, प्यार का स्वाद चखा है, तो परमेश्वर ने क्यों चखाया? ताकि हम उस स्वाद को अपने अंदर से जाने ना दें, जाने ना दें। Praise the Lord। उस स्वाद को और अपने अंदर ढाल लें, अपने अंदर उसको ले आइए। Praise the Lord। हालेलुया। तब देखिए, देखिए परमेश्वर की योजना क्या है, क्योंकि वो आपको एक उत्तम देश में ले जाने वाला है। सातवां पढ़िए, सातवां आठवां, जल्दी से पढ़िए। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में ले लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। प्रेज द लॉर्ड। जो हमको जाना है वो उत्तम देश है, और वहां पहुंचने के लिए घाटियां भी होंगी, पहाड़ भी होगा। आप समझने की कोशिश करिए चर्च, आप समझ रहे हैं? उस उत्तम देश में जाने के लिए, जो हमको परमेश्वर ने दिया है, उसमें जाने के लिए उतार चढ़ाव आएंगे। yes। तराइयां भी होंगी, पहाड़ भी होंगे। हेलो। yes। समझ रहे हैं आप? बाइबल ये नहीं बताती है कि आपने यीशु मसीह को पा लिया तो आप जीवन में आपका कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन पहले क्या होता था, जब यीशु मसीह आपके साथ नहीं था, आप दुख में कमजोर हो जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आपके साथ है, तो आप दुख में मजबूत हो जाते हैं। उस समय लगता था कोई नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ये सताव आ रहा है, परीक्षाएं हैं, कोई नहीं है मेरा जो मुझे बचाए। लेकिन आज लगता है मेरा यीशु मेरे साथ है, वो है मेरा रखवाला, वो है जो मेरे साथ चलेगा, वो है जो मेरी आवाज को सुनता है, वो है जो मेरा हाथ पकड़ता है, वो है जो मुझे गले लगाता है, वो है जो मुझे अपनी गोदी में उठाता है, वो है, वो है। मुझे उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यीशु नाम लूंगा और वो पास में आएगा। हालेलुया। मुझे बस उसकी आज्ञाओं पर चलने की जरूरत है। जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, मेरे भाई मेरी बहन, तब आप परमेश्वर के असली प्यार को महसूस करेंगे। लेकिन एक चेतावनी भी है परमेश्वर ने दी है, जब वो आपको आशीष दे, जब वो आपको सामर्थ्य दे, जब आपको सुरक्षा दे, जब आपको चंगाई दे, तो वो आपसे कहना चाहता है 17वां वचन, व्यवस्थावरण 8:17, कि तू अपने मन में ये ना कहने लगे कि मैंने ये सारी संपत्ति अपने सामर्थ्य और बाहुबल से कमाई है।
होता है, यही होता है। हम जब बरकत का आशीष पा लेते हैं, जब हमारे धंधे को आशीष मिलती है और चलने लगता है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता प्रभु से दूर हो जाते हैं और हमारे मन में आता, देखा कितनी मेहनत की मैंने। हाँ, हमारे मन में कभी ना आए ये चेतावनी है कि तू अपने मन में ये ना कहने लगे कि मैंने ये सारी संपत्ति अपने सामर्थ्य तथा बाहुमल से कमाई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। वही है जो तुझे सामर्थ्य देता है संपत्ति प्राप्त करने का, वही है जो तुझे धंधा करने का सामर्थ्य देता है, वही है जो तुझे काम करने की बुद्धि देता है, वही है जो तेरे हाथों में कला देता है। बसलेल को उसी ने दिया था तंबू बनाने की कला। कोई तारीफ कर रहा है, अरे वाह चंदन भैया के समोसे तो बहुत अच्छे हैं। घमंड ना करिए कि अरे देखा मैं जाता हूं बनाता हूं 1000 समोसे और ऐसे बिक जाते हैं। नहीं, धन्यवाद परमेश्वर का आशीष है। हम काम करें या कुछ भी करें, हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। नहीं, परमेश्वर की कृपा है तो हम कर पा रहे हैं। परमेश्वर की कृपा है कि हमारा किया हुआ काम लोगों को अच्छा लग रहा है। सच बताऊं मैं आपको, हम कुछ नहीं है, उसका हाथ हमारे सर पर है, ये बहुत बड़ी बात है। हम कुछ नहीं है, कभी भी अपने आप को कुछ मत समझिएगा। इसलिए वो कहता है, परंतु तू अपने मन अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है कि वो अपनी उस वाचा को पूरी करे जिसकी शपथ उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, जैसा आज प्रकट है। वो क्यों देता है आपको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य? क्योंकि उसने आपके पिता से वाचा बांधी थी। आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, आप समझ रहे हैं कि आज मैंने दशांश डाला है मेरा अच्छा होगा। नहीं मेरी बहन, वो तो होगा क्योंकि आज्ञाओं पे चल रहे हैं आप, लेकिन परमेश्वर ने आपके पूर्वजों से वाचा बांधी थी, क्योंकि वो वाचा का परमेश्वर है, वो अपनी वाचा को नहीं भूलता है। आप समझते हैं कि आज हम चर्च में बैठे हैं कि नहीं यार आज चर्च में मैं आई हूं? नहीं मेरी बहन, आप नहीं जानते कि कितने लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की है तब आप यहां पर बैठे हैं। इसलिए जो नई आत्माएं हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हम ये भूल जाते हैं इस सीट पे बैठकर कि आज मैं यहां पर हूं तो परमेश्वर ने कृपा की। कैसे की? कि आपके लिए लोगों ने प्रार्थना की है रात दिन, और आज हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। जैसे वो लंगड़ा मनुष्य था ना पतरस के घर में, जब बैठे हुए थे यीशु मसीह कफरनहूम में, उसको लेकर आ रहे थे चार लोग चारपाई पे लेकर आ रहे थे, वहां चेले भी थे, सब चेले थे, लेकिन किसी ने भी अंदर आने नहीं दिया। नहीं नहीं मुझे यीशु मसीह का वचन सुनना है। वो देख नहीं रहे कि आ रहा लंगड़ा है चारपाई पर है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यीशु मिल गया, वो ऊपर गया, उसने छत तोड़ी और आ गया। चरित्र नहीं है कि नहीं यार कोई नया आया है तो मैं उसको सीट दे दूं, मैं पीछे खड़ा भी रहूंगा चलेगा। ये नई बहन आई है, ये नई आत्मा आई है, वो कुछ सीखे, वो कुछ प्रभु के करीब आए। नया भाई आया, नई बहन आई है, कितनों को खुशी होती है। प्रेज द लॉर्ड। कितने कमजोर हैं आपको पता है? आपके आसपास के भाई बहन कमजोर हैं? कितनों को पता है कि आपके चर्च में बहुत कमजोर लोग भी हैं? कितनों को पता है? आपको पता ही नहीं किसी को? कितनों को पता है यहां पर? क्या आप जाते हैं? क्या फोन करके पूछते हैं भाई
कैसा बीत रहा है आज का दिन, ये वीक कैसा बीता? कभी हम भी कमजोर थे, कभी हम भी परीक्षा में पढ़ते थे, कभी हमारे भी समाज के लोगों ने कहा था कि निकलो, कभी हम भी डगमगाए हुए थे। कैसे आप बाहर आए पता है? क्योंकि किसी ने आपके लिए प्रार्थना की है। किसी ने आपके लिए प्रार्थना की है। आप नहीं जानते हैं प्रार्थनाओं का नतीजा, प्रार्थनाओं की शक्ति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कभी भी हमें यह नहीं कहना कि नहीं मैं कमा रहा हूं। परमेश्वर को महिमा दो, धन्यवाद कि परमेश्वर की कृपा है, उसका अनुग्रह है तो हम दो रोटी खा पा रहे हैं। धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है और कभी भी ऐसा ना हो कि तू पराए देवताओं को अपना ले। कब अपनाएंगे आप दूसरों को? दूसरों के घर में कब जाएंगे? जब आपको अपना घर कीमती नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे घर कब जाते हैं आप? जब आपको अपना घर थोड़ा काटने लगता है, नहीं यार अभी अपने घर में आप क्यों नहीं पन पाते? आपके घर, अपने घर से क्यों अलग हो जाते हैं आप? क्योंकि आपको अपना घर अभी कुछ उसमें कमियां लगने लगती हैं। ये नहीं होता है कि आप अपने घर में कमियां लग रही हैं, दूसरे घर में जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं, फिर कुछ दिन के बाद वहां भी कमियां लगने लगेंगी। कुछ आत्माएं भेड़ होती हैं, भेड़े, और कुछ आत्माएं मेंढक होती हैं, मेंढक भटकती रहती हैं इधर से वहां तक, वहां से वहां तक, वो कभी स्थिर नहीं हो पाते। भेड़ कौन होती है? यीशु के पीछे चल रही है। वो आग से होकर गुजरेगा, भेड़ आग से होकर गुजरेगी। यस, हमें भेड़ बनना है, हमें मेंढक नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसी में आशीष है, बरकत का आशीष उसी में है, जीवन उसी में है। आप उस अपने प्रॉमिसिंग लैंड में प्रवेश करते हैं और अधिकार भी उसी में है जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं और दिल से मन से। इस चैप्टर को, व्यवस्था विवरण 8 को पूरी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैंने खत्म किया है इसको। अगर आप डिटेल में मैं जाता तो 2-3 घंटे और लग जाते, इसलिए मैंने इसका आपको सार बताया है, कोशिश की है। इसलिए आप इस चैप्टर को एक बार नहीं कई बार पढ़िए और फिर मेरा प्रचार सुनिए। इस चैप्टर को 8 को 10 बार पढ़िए और फिर यह प्रचार सुनिए, जो रिकॉर्डेड होगा आपको मिलेगा, तब आपको और समझ में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आज का वचन आपको अच्छा लगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।